स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल अच्छे होंगे। और जैसा कि आप वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आज मुझे आखिरी बार के पापा जी को कुछ बनाना खिलाना है, तो मैं उनकी पसंद का बना रही हूँ छोले भटूरे। तो मैं भटूरे में कढ़ाई में नहीं, तो मैं अब जा रही हूँ, आज ही हूँ उनके लिए छोले। छोले मैं बिना छौंक के, बिना ऑयल के, और इंस्टेंट और वेरी टेस्टी, बिना अनियन एंड गार्लिक। चलिए आज का छोले की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और मैं शेयर करती हूँ आपके साथ कम ऑयल में भटूरे कैसे बनते हैं, तवा भटूरा रेसिपी। सो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर भी करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिना स्किप किए वीडियो को जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। इसी उम्मीद के साथ कि आप पूरा प्यार और अपना पूरा टाइम देंगे, चलिए वीडियो को स्टार्ट। ये वीडियो लास्ट वीडियो का है जब मैंने छोले बनाए थे बिना ऑयल के, तो ये रेसिपी मैंने शेयर की है छोले की पिछले वीडियो में, और उसके आगे का वीडियो है। तो तवा पे रख करके मैंने घी गरम कर लिया है थोड़ा सा, और तवे को गरम होने देते हैं। इधर मेरा ये देखिए डो भी कितना अच्छा है, रेडी हो चुका है फ्लफी, ये देखिए। चलिए अब जल्दी से फटाफट से भटूरे उतारना स्टार्ट करते हैं, तवे पर बनाते हैं। तो ये देखिए हमारे छोले कितने टेस्टी लग रहे हैं ना, स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही थी, जैसे वो मार्केट में मिलते हैं ना तवे वाले छोले कुलचे, उस टाइप के। सो दोस्तों देखिए, मैंने बना लिए हैं बिना ऑयल के ही छोले। तो बताइए कैसे बने हैं ये बिना ऑयल के ही छोले, और मैं बनाऊंगी तवे वाले भटूरे लेस ऑयल के, और बहुत अच्छी महक आ रही है इसमें। और फटाफट से ये मेरा रेडी हो चुका है, डो भी हमारा रेडी हो गया है, अब जल्दी से हम भटूरे बना लेते हैं। तो चलिए भटूरे उतारते हैं और आप सबको खिलाते हैं बढ़िया वाले भटूरे, छोले भटूरे। तो चलिए फटाफट से इसको हम बेल लेते हैं। तो पहले मैंने सारी लोइयां बनाकर रख ली हैं, तो इस तरह से हम बनाकर रख लेंगे। वैसे तब क्या होता है, भटूरे की लोइयां बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, उसको तो जिस जैसी मोड़ोगे वैसी मोल्ड हो जाती है, क्योंकि इतना सॉफ्ट डो होता है इसका। और फ्रेंड्स, मेरी गले की बड़ी बुरी हालत है, मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो में आप सबको किसी तरह बता रही हूँ। तो वीडियो के इस पार्ट को जो कि मेरी आवाज़ दिक्कत कर रही है, तो प्लीज़ एडजस्ट करिएगा। और ये देखिए, मैं पहले छोटे छोटे बना रही हूँ, क्योंकि छोटे छोटे भटूरे अच्छे लगते हैं इस तरह से। और तवा गरम कर देते हैं, और ये देखिए मैं बेल कर रख लूँगी, बहुत क्यूट लग रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये सेक लूँगी छोटे छोटे, तो बच्चों को अच्छे लगते हैं छोटे छोटे भटूरे, तो इसलिए मैं छोटे छोटे भटूरे सेक रही हूँ। और इस तरह से हल्का हल्का सा घी लगाएंगे हम, ज़्यादा नहीं लगाएंगे इस तरह से, और तवे पे हम इसको तल लेंगे इस तरह से। काफ़ी टेस्टी लगते हैं, बच्चों को तो बिल्कुल वही टेस्ट आता है जैसा भटूरे का, बस डीप फ्राई नहीं होते, बाकी सब ठीक है। और ये देखिए बन गया है, इसी तरह से मैं सारे बना करके फटाफट से रेडी कर लेती हूँ इस तरह से। और क्योंकि सबको खाना भूख लग रही है, जल्दी जल्दी मैं प्लेट भी लगा दूँगी। ये देखिए मैंने बनाया है तवे पे फूले फूले भटूरे कम ऑयल में, तो ये हमारे बन चुके हैं। और इस पर डाल देती हूँ एक और, इस तरह से आप कम घी तेल में भी भटूरे बना सकते हैं। और ये मेरी राइस भी बन गए हैं, और ये छोले भी बन गए हैं। तो बस फटाफट से प्लेटिंग करते हैं, आप लोग सभी लोग आ जाइए, लंच रेडी है स्पेशल तवे वाले छोले भटूरे। आप इनको छोले भटूरे भी बोल सकते हैं, आप इनको छोले कुलचे भी बोल सकते हैं, प्लेन कुलचा।
आप बटर भी लगा सकते हैं। ये देखिए कितने फूले फूले से बढ़ रहे हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं टेक्सचर दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये देखिए दोस्तों बहुत टेस्टी से छोले भटूरे बन चुके हैं। चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। आप सबके लिए स्पेशल किस्म के छोले एंड भटूरे। तो ये देखिए हमारे स्पेशल छोले भटूरे तैयार हैं, तवे वाले बिना तेल के छोले एंड बिना तले भटूरे। तो कैसे लगी हम आपको ये रेसिपी प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके, और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा और शेयर करिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। तब तक के लिए बाय। इसी के साथ आज का वीडियो हम एंड करते हैं यहीं पर। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं आप सबसे अच्छे से न्यू से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, बाय। तो आइए फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं हमारी गुंजन ने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। तो आइए दोस्तों आपको दिखाते हैं मेरी गुंजन ने, मेरी भतीजी ने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है हनुमान जी की, और वो भी हमारे भगवान को देख करके। ये देखें इनको देख करके, ये फोटो देख करके हनुमान जी की। तो ये देखिए ये फोटो देख करके, भगवान की देख करके ये फोटो, हाँ हाँ दिखा रहे हैं। ये देखिए ये फोटो देख करके मेरी भतीजी ने बनाई है। तो ये देखिए इन्होंने कृष्ण भगवान बनाए हैं ना बाल गोपाल। ये देखिए कान्हा जी कितने सुंदर बनाए हैं, इसकी लंगोटी भी बनाई है, अरे वाह। तो ये देखिए दोस्तों सिंपल से पेपर पे बना लिए है, और कुछ लिखा भी है इसमें, जन्माष्टमी सेलिब्रेट दी लिखा है, बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा हिज फॉर ओवर दी आर हिंदूज, सेलिब्रेशन इज द फेस्टिवल ऑफ हिंदूज लॉर्ड कृष्णा। ये देखिए तो, और यहाँ पे क्या बना, अरे वाह इधर भी बनाया है, ओनम, ओनम जो फेस्टिवल है आसाम का वो भी बनाया है इन्होंने। ये देखिए बहुत अच्छा बनाया है। ओ क्यों रही हो, मिल नहीं रही तो देखिए सूर्यांशी रो रही हैं, चलो ढूंढ के दिखाना है, सब लोग देखेंगे तुम्हारी भी ड्राइंग। साइज़ साइज़ ले लेना, छोला छोले दे दे, खाने में सही नहीं है, कैसे बने अंशी, कैसे बने, कैसे बने, कैसे बने, बिना घी तेल के है।